हे दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई है, इसको लेकर काफ़ी सारे मेरे पास डाउट आ रहे हैं। तो सारे डाउट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। थंबनेल पे आपने देखा होगा कौन कौन से डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जो भी डाउट्स हैं, अभी आपके पास 2-3 दिन बचा हुआ है। अगर फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा तो फॉर्म आप भर सकते हैं। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, CCC को लेकर के जो भी डाउट है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगा, हर चीज़ A to Z मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 277 पोस्टें आई हुई हैं। पे बैंड आपका यहाँ पर लिखा गया है, ग्रेड पे आपका 4600 है, यानी कि इसकी जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी सब कुछ कट पिट कर 46 के आसपास, 1000 के आसपास ये मिलने वाली है। 46-45,000 के आसपास आपको ये मिलने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है, जो लोग कह रहे थे कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है, किस में कौन सी कैटेगरी में मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर वुमेन को भी 20% मिल रहा है। और यहाँ पर SC ST और OBC सबके अलग अलग यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे सीधे यहाँ पर मैं आपको जो CCC को लेकर के लोग कन्फ्यूजन में थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन है वो ये है कि द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर या तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थेट्रो। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास, एक तो बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जो कि इंडिया में आपने क्वालिफाई किया हो, या उसके इक्विवेलेंट हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। जैसे बैचलर डिग्री और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी होता है, बीटेक भी होता है, अलग अलग होता है, तो सब आप भर सकते हो। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, जो लोगों को डाउट रहता है यहाँ पर आप पढ़ लो अच्छे से, मैं आपको बता भी देता हूँ उसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या मांग रहा है। डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की से आपने अगर डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर साइंस से आपने डिग्री लिया है, कंप्यूटर साइंस याद रहे हैं, कंप्यूटर साइंस आप सब लिखा गया है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास या तो ये होना चाहिए या आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। जी हाँ, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपका किसके द्वारा हो, डोएक द्वारा हो या NIELT द्वारा, सोसाइटी द्वारा हो, या आपका ओ लेवल इन दोनों सोसाइटी द्वारा अगर आपने पास किया है तो, या इसके अलावा CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाई इंडिया इन लॉ। तो यानी कि CCC सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, यानी कि आपके पास या तो ये हो, या तो आपको ये डिग्री हो, या तो आपका ओ लेवल हो, या आपका CCC सर्टिफिकेट हो, तीनों में से एक अगर आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा। तो आई होप आपके जो डाउट थे CCC को लेकर वो तो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में अब कमेंट करके नहीं पूछोगे, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, कई लोग कह रहे हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाओगे डाउनलोड करोगे हो जाएगा, या टेलीग्राम पर, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को, मैं इसका PDF अभी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको हमारे एटलीस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपडेट्स, PDF, हिस्ट्री मटेरियल मिलते रहते हैं। अब बात करेंगे बेसिकली और कुछ चीज़ों के बारे में जो लोग डाउट में थे, जैसे कि यहाँ पर एज तो आपको पता ही है कि एज यहाँ पर 1 जुलाई 2017 तक आपका होना चाहिए, एज 21 to 35 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे जो आप लोग डाउट में थे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड को लेकर के, तो डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है वो आपका बेसिकली क्या होगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। जी हाँ, और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफलाइन टेस्ट होगा, और 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के होंगे, और यहाँ पर इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, कई बार मैंने आपको बताया कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये आपका ARO का ये है। इसी तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अब स्टेज सेकंड देखो, सब लोग स्टेज सेकंड को लेकर डाउट रहे थे, तो यहाँ पर देखिए स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये जो है वो 50 नंबर का टेस्ट होगा, जो कि इसमें क्या करना होगा, आपको 15 मिनट में इसको करना होगा, और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा
500 वर्ड का जी, लगभग आपको 500 वर्ड का एक सीट, वर्ड सीट प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको एज इट इज उसी सेम फॉर्मेट में 15 मिनट में आपको उसी के एडजेजिंग परफॉर्मेंस उसको आपको कंप्यूटर पर उसी को एज इट इज उतारना है। और यहाँ पर जो पहला स्टेज होगा वहाँ से वैकेंसी यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके अगेंस्ट 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइप टेस्ट के लिए। यानी कि पहले में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, उसके बाद सेकंड में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सेकंड जो होगा आपका ये टाइप टेस्ट जो है आपका स्टेज, फर्स्ट में जो 5 बंदे सिलेक्ट होंगे एक वैकेंसी के पीछे उसको बुलाए जाएंगे मेरिट के आधार पर। उसके बाद ये आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और इसमें आपका डाटा एंट्री हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम मार्क, देखिए जो मिनिमम मार्क है इसको पास करने का वो 17 नंबर तो है ही और मैक्सिमम आपको तो लाना ही पड़ेगा। एक ये पासिंग मार्क दिया गया 17 नंबर, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क आपका है। इसके अलावा जो आपका पहले स्टेज का नंबर होगा और जो दूसरे स्टेज का नंबर होगा वो दोनों मिल करके आपका यहाँ पर सीधे सीधे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू, नो इंटरव्यू सेल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। और ये आपका सिलेबस है, मैंने सिलेबस के बारे में पहले भी बता रखा था, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपका दोनों आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पर। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर मैथ और रीजनिंग में, तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है जनरल इंटेलिजेंसिया, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैथ के, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आपके देखने को मिल जाएंगे, समझ गए। इसके बाद अब काफ़ी लोग के जो डाउट रहते हैं वो यही रहते हैं कि क्या बोलते हैं इसका पेपर कब तक हो सकता है। तो देखो अभी ये समझ लो इसका जो एग्जामिनेशन है, आप यहाँ पर देख लो 7 जनवरी तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके ये समझ लो कि इसका जो पिछला बार का हुआ था उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और इस बार चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये समझ लो इसका जो एग्जामिनेशन है आपका 20 फरवरी के आसपास हो सकता है। जी हाँ, आपके पास ये समझ लो कि पेपर ख़त्म होने के लगभग 30 से 35 या 40 दिन बाद इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो आ सकता है। तो फरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा इसके एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ सकती है, समझ गए। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन को लेकर आप टेंशन मत लो। और जो हिंदी की तैयारी है वो मैं आपको लगातार अपने चैनल पर करवा ही रहा हूँ, हिंदी की और इंग्लिश की भी जो तैयारी है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रही है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी वीडियो आप मिस मत किया करो। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो मैं देख लेता हूँ आपके कौन कौन से डाउट आपने पूछे थे, मैंने यहाँ लिख रखा है। तो जी हाँ, आपको एक ट्रिपल सी का डाउट था वो मैंने आपको बता दिया, ट्रिपल सी आपका काम कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डाउट था ट्रिपल सी कब का होना चाहिए, जी हाँ ट्रिपल सी कब का होना चाहिए ये डाउट है सबके दिमाग में है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बताया ही था कि फॉर्म शुरू होने के फॉर्म ख़त्म होने तक। इसके बाद अभी एक और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किया था कि अगर आपने इसके बीच में एग्जामिनेशन आपका जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आ गया है, मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं भी आया लेकिन आपका रिजल्ट आ गया इसके बीच में, तो भी आपका जो ट्रिपल सी है वो मान्य होगा यानी कि माना जाएगा। तो ट्रिपल सी के लिए तो आपकी जो डाउट थे ये तो क्लियर हो गए। इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन जो था वो भी यहाँ पर, जी हाँ वुमेन के लिए अलग सीटें हैं वो तो मैंने आपको बताई थी, तो वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन है। और आपको क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, एज भी आपका लगभग हो गया, और आपके जो डाउट थे सिलेबस को लेकर के सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको दे ही दिया। एक बार डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस इसका, पढ़ सकते हो इसके सिलेबस को यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सिलेबस ये है आपके सामने, चलिए कहाँ गया भाई, ओके। तो इसका सिलेबस आपका वही हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, यही सारे, ये देखिए यहाँ पर इसका सिलेबस है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, डिटेल में दिया गया है, 200 नंबर आपके आएंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड आपका यहाँ पर ट्रेड है, उसके अलावा पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, इसके अलावा अर्बनाइजेशन है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी है, एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया है, और करंट नेशनल यानी करंट अफेयर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेशल चीज़ यहाँ पर दिया गया है, आपको ये चीज़ तो तैयार करना ही करना है देखिए। और इसकी जो वीडियोस हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशनल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको ये उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल जीके है उसको अच्छे से पढ़नी होगी, वहाँ से भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक आपका अलग से ये भी है कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप आपके अब इस एग्जाम से लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको
मेरे चैनल पर लगातार इसकी जो तैयारी है करवाई जा रही है, मैथ, GKGS, रीजनिंग, GKGS हो गया, रीजनिंग हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश ये तो मिल ही रहे हैं लगातार आपको। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।